नमस्कार दोस्तों स्वागत है शोमोस बायोलॉजी की और एक हिंदी वीडियो में और इस हिंदी वीडियो की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में इम्यूनोलॉजी वीडियोस के बारे में तो ये आखिरकार कुछ वीडियोस है आखिर आखिरी कुछ वीडियोस है और आखिरी कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स और डिजॉर्डर्स और यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी वाट इज हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी क्या है हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स क्या है जैसे कि टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी और ये चार हाइपर सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंसेस है क्या सिमिलैरिटीज है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की मैकेजम्स क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को अंत तक देखें चारों टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में जानने के लिए अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है बहुत सिंपल से टर्म्स में अगर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम मेडिएटेड है और जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम नॉर्मल जो प्रोटेक्शन देना चाहिए बॉडी को उससे हाइपर एक्टिव हो जाता है हाइपर एक्टिव मीज कुछ अनफेवरेबल रिएक्शंस इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जैसे कि टी सेल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया ये सारे के सारे चीज़ें जब कुछ अनफेवरेबल रिएक्शंस कॉज करने लगे जिससे कि हमें फ़ायदा कम हो और फायदे से ज़्यादा नुकसान हो उसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है तो ऐसे चार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टाइप वन टू तो टाइप फोर और इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड ए सी आई डी ए सी आई डी ए टाइप वन और जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी सी से होता है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू टू साइटोटॉक्सिक टाइप थ्री हो जाता है आई जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेरेटेड हाइपरसेंसिटिविटी कहा जाता है और टाइप फोर हो जाता है डी मींस डिलेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी तो ये चारों प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है मैंने बताया कि एग्जैग्रेटेड और मिसेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स तो एक मिसडिरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स है जिससे टिश्यू इंजरी होता है और अदर तरीके की पैथोफिजोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी के अंदर अब पैथोफिजोलॉजिकल चेंज होगा बॉडी के टिश्यूज के अंदर ब्लड वेसल्स के टिश्यूज के अंदर मे बी इमीडिएट और डिलेट ये एकदम से अगर मान लो कि कोई एंटीजन शरीर के अंदर आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट में बॉडी रिएक्ट करता है इनट इम्यूनिटी भी रिएक्ट करता है फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी तैयार करता है उसके अगेंस्ट में जाता है मगर यहां पर एंटीजन जो है बाहर से आ रहा है उतना खतरनाक नहीं है बॉडी के लिए फिर भी कुछ ऐसी प्रकार का जो एंटीजेंस हम नहीं कह सकते मगर एलर्जेन कहते हैं जब शरीर के अंदर आता है तो बॉडी उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है उस रिस्पॉन्स डेवलप करने के टाइम बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज डैमेज हो सकता है उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं राइट वो एक एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है तो इमीडिएट इफेक्ट भी हो सकता है और डिलेड इफेक्ट भी हो सकता है टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो डिलेड होता है जैसे कि टाइप वन इमीडिएट है तो टिश्यू का जो प्रॉब्लम है जो इंजुरी है वो कॉज होता है दोनों तीन अलग अलग प्रोसेस एक तो है वेजो एक्टिव सबस्ट्रेट्स यहाँ से रिलीज होता है ल्यूकोट्रीन प्रोस्टाग्लैंडीन्स हिस्टेमीस ये सब फैगोसाइटोसिस ऑफ और, और लाइसिस ऑफ सेल्स जो सेल्स जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम सेल्स हो या फिर नॉर्मल टिश्यू के सेल्स हो वो भी डैमेज होगा क्योंकि फैगोसिटिक सेल्स उसको एनगॉल्फ करेगा एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड साइटोलिटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा बहुत सारे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कॉज करेगा और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो है उससे वैजो एयरवे कंस्ट्रिक्शन ये सब होता है और रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड प्रोटीलिटिक एनजाइम्स कुछ प्रोटीएज रिलीज uh, होता है जिससे कि सेल्स की नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने का मतलब होता है सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना तो ये होता है अलग अलग रिस्पॉन्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी तो बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर सेंसिटिव हो गया मतलब जिस एंटीजन को एंटीजन मार्क करना चाहिए उसके खिलाफ आ, कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए वो तो दे ही रहा है मगर कुछ एक एंटीजन कुछ एक एंटीजेनिक कॉम्पोनेंट ओके okay? जिसके खिलाफ नहीं देना चाहिए था उसके खिलाफ भी ये रिस्पॉन्स कॉज कर रहा है राइट right? तो तब जाके उसको हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं हाइपर मतलब ज्यादा सेंसिटिव तो यहां पर चार टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर है यहां पर मैंने बताया कि टाइप वन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड टाइप टू को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टाइप थ्री को बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड और टाइप फोर को बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी ठीक है तो यहाँ पर देखो हर एक जगह पर टाइप वन एंटीबॉडी मेडिएटेड कौन सा एंटीबॉडी आई जी ई इम्यूनोग्लोबिल ई मेडिएटेड होता है ये साइटोटॉक्सिक जो है देखो साइटोटॉक्सिक में इंटरेक्शन आई जी 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 और इम्यूनोग्लोबुलिन एम इन्वॉल्व होता है इसमें ठीक है तो ये टाइप वन बहुत फास्ट होता है एक घंटे के अंदर टाइप टू जो है आवर्स टू डेज दिन तक लग सकता है एक्टिव होने में टाइप थ्री में हो गया कॉम्प्लीमेंट जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडियट मीनस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मीडिएटेड ठीक है यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और यहाँ पर माइक्रो फैजोसटिक सेल्स रहते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल और टाइप फोर जो होता है डिलेड जो टी सेल मीडिएटेड है इसको लिखते हैं टी सेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है टी सेल मीडिएटेड और टाइप फोर दिन से हफ्ते भर हो, में हो सकता है और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स और टाइप थ्री वो एक से तीन हफ्ता मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टाइप थ्री तो अभी देख लेते हैं अलग अलग एग्जाम्पल टाइप हाइपरसेंसिटिव टाइप मैंने आपको बताया कि चार डिफरेंट टाइप है टाइप वन आई जी ई मेडिएटेड मैस सेल्स के ऊपर ये काम करता है हिस्टामिन रिलीज रिलीज करेगा रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप टू आई जी एम और आईजी जी मेडिएटेड जो होस्ट एंटीजन को अटैक करेगा मतलब होस्ट एंटीजन मतलब खुद की ही अपनी सेल को एंटीजन के तौर पे यह अटैक करेगा और डैमेज करेगा टाइप थ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करना मतलब आ, कोई भी बैक्टीरिया है अंदर तो उसको तो मारेगा ही उसके साथ साथ वो कुछ एनाफेलेक्टिक कॉम्पोनेंट्स रिलीज करेगा जैसे कि ए कॉम्पोनेंट्स जो होता है राइट right? कॉम्प्लीमेंट के दोनों कॉम्पोनेंट होता है एक ए फ्रैगमेंट एक बी फ्रैगमेंट तो ए फ्रैगमेंट से एनाफेलेक्टिक कॉजेस रिलीज होता है टाइप फोर जो है सी डी फोर टी सेल मेडिएटेड सी डी एट टी सेल भी होता है बहुत रेयरली तो इसको डिलेट बोलते हैं सी डी फोर रिलेटेड सी डी फोर हेल्पर टी सेल मेडिएटेड एंड समटाइम्स सी डी एट साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड टू तो यही यहाँ पर लिस्ट है तो टाइप वन कैसे रखते हैं एलर्जिक ए सी फॉर ई फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स डी फॉर डीलेट ए सी आई डी निमोनिक एसिड अब देखो के पहला जो टाइप वन है उसका डिस्क्रिप्शन क्या एग्जाम्पल एलर्जिक बी स्टिंग्स लेटेक्स में जो एलर्जी होता है कुछ लोगों को और सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक्स एलर्जी जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी एग्जाम्पल ऑफ टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल साइटोटॉक्सिक का हिमोलिटिक रिएक्शंस ओके गुड प्लास्ट्यूट सिंड्रोम और देखो टाइप थ्री एग्जाम्पल सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ओके सिस्टेमिक लूपस एंड सिरम सिकनेस और टाइप फोर का एग्जाम्पल देखा पीपीडी टेस्ट लेटेक्स निकेल पॉइजन आईवी ओके एंड क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन जब हम बात करते हैं कोई टिश्यू को ग्राफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में तो यहां पर भी ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप फोर सेंसिटिविटी आता है टाइप थ्री रिस्पॉन्ड करने में सबसे टाइम ज्यादा लगाता है टाइप वन सबसे फास्ट रिस्पॉन्स करता है तो पहली बात है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कैसे ये काम करता है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी को हम ये भी बोलते हैं कि ये एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है ओके okay? इमीडिएट काम करता है और एनाफाइलैक्टिक टाइप भी है और एंटीबॉडी मेडिएटेड मतलब कौन सा एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई आईजीई मेडिएटेड ऑकर्स वी ऑकर्स विद इन मिनट प्रोवोक्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन बाय कांटेक्ट और इन्हेलेशन और इंजेक्शन और इंजेक्शन कोई भी मोड पर अगर सेम एंटीजन बाद में शरीर के अंदर आता है तो वहां पर बॉडी की रिस्पॉन्स जो है बहुत फास्ट होगा बहुत हाइपर होता है और वो इम्यूनोग्लोबिन ई होता है इसको हम टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं और दोनों तरीके का रिस्पॉन्स होता है एक तो लोकल रिस्पॉन्स और एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स होता है तो यहां पर देखो प्रोसेस क्या है मैं दो रिस्पॉन्स बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं पहले यहां पर प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस आराम से देखेंगे तो यहां पर ये यह नॉर्मली एक यहां पर हम देख पा रहे हैं कि नॉर्म लेट फेज दिया हुआ है यहाँ पर और इनिशियल फेज दिया है ऊपर इनिशियल नीचे लेट फेज अब यहाँ पर एपिथेलियल सेल देख रहे हैं हम ठीक है अब एपिथेलियल सेल में क्या हो रहा है देखो नॉर्मली एपिथेलियल सेल है तो यहाँ पर टी सेल है नॉर्मल टिश्यू के अंदर टी सेल टी सेल वगैरह मौजूद है अब यहां पर पोलेन आया है पोलेन को एंटीजन के तौर पे यहां पर बॉडी डिटेक्ट कर रहा है जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर बॉडी की इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गया जो एंटीजन नहीं है उसको भी एंटीजन के तौर पे वो मानने लगा तो यहां पर पोलैन को एंटीजन के तौर पे मानने लगा तो पोलन जब इंटरेक्ट कर रहा है डेंड्रिटिक सेल के साथ वो डेंड्रिटिक सेल क्या कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है डेंडेटिक सेल तो डेंड्रिटिक सेल इस पोलैन को एज एन एंटीजन शो करेगा टी सेल को टी हेल्पर सेल को अब टी हेल्पर सेल जब भी उसको डिटेक्ट करेगा टी हेल्पर सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा और टी हेल्पर सेल क्या करेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जिसे कि इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन फाइव जाके बी सेल को एक्टिवेट करेगा और टी सेल एंटल्यूकिन थ्री फाइव जीएमसीएसएफ ग्रेनोरोसाइड मोनोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को रिलीज करेगा जो जाके और भी यूसिनोफिल वगैरह सबको एक्टिवेट करेगा अब देखो टी सेल यूसिनोफिल को भी एक्टिवेट किया टी सेल बी सेल को भी एक्टिवेट किया बी सेल क्या तैयार करेगा आई जी ई एंटीबॉडी इम्योनोग्लोबिल एंटीबॉडी डेवलप करेगा अब इम्यूनोग्लोबिलिन ई e एंटीबॉडी क्या करता है इसका नॉर्मली हमें पता है अगर इस सीरीज़ को आप वीडियो आपने देखा है तो एफ सी पोर्सन होता है नीचे एफ ए बी पोर्शन होता है ऊपर और मैथ सेल में सरफेस में एफ सी रिसेप्टर होता है और एफ सी रिसेप्टर के साथ ही एफ सी रीजन जाके बाइंड कर जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई e का ठीक है जब बाइंड हो जाएगा तब क्या होगा बाइंड होने के साथ साथ ये मैथ सेल के अंदर वेसिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे आ, एनाफेलैक्स इस कॉजिंग केमिकल फैक्टर्स होते हैं और जो रिलीज हो जाएगा जब ये रिलीज हो जाएगा मास सेल से देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिएटर्स रिलीज हो जाएगा जिसमें हिस्टामिन प्रीडोमिनेंट होता है हिस्टामिन के अलावा ल्यूकोट्रीन प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और वो बाहर जाने के साथ साथ वो अलग अलग फेज लेट फेज ऑफ रिस्पॉन्स कॉज करेगा जिससे ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होगा एपिथेलियल सेल्स डायलेट हो जाएगा वहाँ से ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा इसको हम ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं बहुत मात्रा में ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल बाहर आ जाएगा फिर इसके साथ साथ म्यूकस सीक्रेट होने लगेगा उस जगह से और यही होता है जब एलर्जिक रिएक्शन होता है बहुत सारा म्यूकस वेजोडायलिटेशन uh, और वहां पर बहुत सारे इम्यून सिस्टम सेल आ जाना और इम्यून सिस्टम का ज्यादा सेल आ गया जो किलर सेल्स है वो आ गया तो वो बाहर की चीजों को तो डैमेज करना चाहेगा उसके साथ जो कंपोनेंट रिलीज करेगा उससे अंदर की चीजें भी और खुद की अपनी चीजें भी डैमेज होंगी और यही प्रॉब्लम है इस चीज की राइट अब नॉर्मली देखो पहली बार अगर ये यह एंटीजन यहां पर आया है फर्स्ट टाइम आया है तो रिस्पॉन्स जो है वो uh, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल और योसिनोफिल एक्टिवेशन पर ही रहेगा मगर फिर भी बाद में अगर सेम एंटीजन रिपीट करे तो प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है तो यही हम बोलते हैं कि टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में अगर एंटीजन री इंसर्ट किया जाता है एंटीजन को या फिर एलर्जिन को यहाँ पर तो इसको पोलन पोलन तो एंटीजन नहीं नहीं पोलन हमें क्या खतरा है पोलन से खतरा नहीं है फिर भी पोलन को एज एन एंटीजन देखा गया है बॉडी के लिए और इसको हम एलर्जिन कहते हैं एलर्जिन ओके एलर्जिन और इससे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हुँ? अब हम देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग चीजें दोनों टाइप होता है लोकल और सिस्टेमिक लोकल एनाफेलैक्सिस और सिस्टेमिक एनाफेलैक्सिस लोकल एनाफेलैक्सिस को देखो हम एटोपी बोलते हैं मतलब जेनेटिकली डिटर्मिन प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप लोकलाइज एनाफेलैक्टिक रिएक्शन कुछ लोगों में ये होते हैं और फैमिली हिस्ट्री में देखो तो क्रोमोजोम नंबर फाइव क्यू आर्म ऑफ थर्टी वन ये लोकेशन होता है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है तो जिन लोगों में ये प्रिडोमिनेट है जिन लोगों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं उन लोगों में टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत कॉमन होता है तो वो लोग ज़्यादा एलर्जिटिक होते हैं चीज़ों से ओके इन लोगों का सीरम में आई जी ई लेवल बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल इंडिविजुअल से तो ये टेस्ट करके हमें पता चल सकता है कि किन किस के किन लोगों के शरीर के अंदर क्रोमोजोम फाइव क्यू थ्री वन यहाँ पर, पर पर्टिकुलर जीन से आई जी ई लेवल्स ज़्यादा है

तो स्टार्ट हो जाता है पांच मिनट से ही और एक घंटे के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है अब लेट फेज में दो से आठ घंटे बाद विदाउट एडिशनल एक्सपोजर टू द एंटीजन फिर भी विदाउट एडिशनल एक्सपोजर भी क्या होता है मोर इंटेज इन्फिल्ट्रेशन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर आने लगता है न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स बोनो ये सब टी हेल्पर सेल्स सब बाहर आने लगता है और धीरे धीरे म्यूकोसल डिस्चार्ज होता है ओके देखो विदाउट एडिशनल एक्सपोजर भी ये सब होता है इसको लेट फेज बोलते हैं तो कभी अगर किसी को टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी है और इनिशियल फेज़ का रिस्पॉन्स जो है पाँच मिनट दस मिनट से स्टार्ट हो रहा है एक घंटे के बाद धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और एक घंटे के बाद ऐसा लगेगा सब ठीक है मगर आठ घंटे नॉर्मली दो से आठ घंटे दो घंटे के बाद से स्टार्ट हो जाता है कुछ लेट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स का जो यहाँ पर हाइट है वो और भी ज़्यादा होगा और यहाँ पर एक साथ बहुत सारे चीज़ें बाहर आने लगेंगे टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर लिम्फोसाइट्स आने लगेंगे बेजोफेल्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स सब इन्फिल्ट्रेट करने लगेंगे और म्यूकस डिस्चार्ज भी स्टार्ट होने लगेगा अब सेकेंड होता है सिस्टेमिक एनाफेलेक्सिस तो ये हो गया लोकल कैसे लोकल uh, काम होता है स्टार्टिंग फेज में काम होता है सिस्टेमिक में क्या होता है सिस्टेमिक होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेटेनोलोग प्रोटीन्स दैट इज एंटीसेरा हॉर्मोन एंजाइम पॉलीसेकर और ड्रग मेडिएटेड मतलब कोई भी फॉरेन कंपोनेंट जो मोस्टली प्रोटीन से बना हो हॉर्मोन्स uh, वगैरह भी प्रोटीन से होगा एंजाइम्स भी प्रोटीन से होगा या फिर पॉलीसेकेराइड्स हो या फिर कोई ड्रग हो उससे अगर आता है ये तो एक्सपोजर से क्या होगा इचिंग होगा हाइव्स स्किन एरिथमिया होगा ओके कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स जिसमें सांस लेने में, में दिक्कतें होंगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा ओके लैरिजियल एडिमा एडिमा मतलब जहां पर सूजन हो जाना बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो इम्यून सिस्टम के कॉम्पोनेट्स से, है सेल्स से, है उसका जो केमिकल मेडिएटर है सब जा वहाँ पर जाएगा तो उसको स्वेलअप कर देगा और वो अगर एयरवेज में होता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो होगा ही तो ये देखो ये एक एग्जाम्पल है सिस्टेमिक एनाफेलैक्सिस के बारे में तो ये जनरली एंजाइम्स हॉर्मोन्स मीडिएटेड मैंने बताया पॉलीसेकेराइड्स और ड्रग मीडिएटेड हो सकता है और ये भी टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी भी आ, का ही रिएक्शन होगा क्लिनिकल एग्जाम्पल्स क्या है एटोपिक डिजॉर्डर जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस सबसे कॉमन हे फीवर एजमा बहुत कॉमन एटोपिक डरमाइट बताया और एनाफाइलैक्सिस भी अलग कॉमन सो एनाफाइलैक्सिस मैंने बता दिया यहाँ पर कि वो सिस्टेमिक हो सकता है या फिर यहां पर लोकल लोकल और सिस्टेमिक एनाफालाइटिक रिएक्शंस तो फैक्टर्स लाइक मीडिएटर्स ऑफ टाइप टाइप टाइपोन हाइपर सेंसिटिविटी कौन कौन से मेडिएटर से मतलब केमिकल फैक्टर्स जो चीजें कॉज करते हैं मैंने पहले बताया हिस्टामिन सबसे इंपॉर्टेंट है तो बायोजेनिक एमिन बोला जाता है एडिनोजिन एनहेंस मैथ सेल मेडिएटर रिलीज तो एडिनोसिन भी यहां पर काम आता है क्योंकि मैथ सेल से वो जो कॉम्पोनेंट्स है हिस्टामिन उसको रिलीज होने में मदद करता है अपार्ट फ्राम दैट केमोटैक्टिक फ मेडिएटर्स होते हैं जैसे कि एन्जाइम्स प्रोटीजेज और एसिड हाइड्रोलेज होता है जहाँ पर क्योंकि प्रोटियज एसड हाइड्रोलेज चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ को तोड़ना होता है ब्रेक डाउन करना होता है इसके लिए चाहिए और वो चीज़ खुद की जो 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 सेल्स हैं वहाँ पर एपिथिलियन लाइनिंग के सेल उसको भी डैमेज करता है प्रोटियोग्लाइकेस जैसे कि हेपारन हेपारिन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और अदर मेडिएटर्स एंड ग्रैन्यूल्स ये प्रोटियोग्लाइकैंस है वो इंपॉर्टेंट है मतलब कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ अटैच प्रोटीन्स वो इंपॉर्टेंट है तो ये गया टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी अब हम बात करेंगे टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी मैंने पहले ही बताया ये क्या है सेल मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक एक्चुअली साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी ओके मेडिएटेड बाई एंटीबॉडीज डिरेक्टेड टुवर्ड्स एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स और टिश्यूज और यहां पर कौन से एंटीबॉडी यूज होता है आईजीएम और आईजीजी एंटीजेनिक डिटरमिनेंस इंट्रिंसिक और एक्सोजेनस हो सकता है अब देखो हम इसको कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं ठीक है कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस। कैसे है कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट बात कर लेते हैं अगर तो एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है आपको पता नहीं है तो वो वीडियो पहले देखो फिर यहाँ पर आओ कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बात ये होता है कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन्स होना जरूरी होता है अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब कॉम्प्लीमेंट को फिक्स किया जाता है कॉम्प्लीमेंट एक प्रोटीन है जो ब्लड में रहता है ब्लड मतलब सिरम में रहता है अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अलग अलग नाम से होता है सी नाम से सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स ऐसे हैं डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट क्या करता है एक प्रोसेस से टारगेट जो बैक्टीरिया होता है उसके शरीर के अंदर उसके मेमब्रेन पे होल क्रिएट करता है और होल क्रिएट करने के साथ साथ बैक्टीरिया की डेथ होता है क्योंकि ड्यू टू द दज्मोटिक इम्बैलेंस एंड ऑल तो यहां पर वो कॉम्प्लीमेंट मान लो कि ये जो होल क्रिएट हो रहा है वो खुद ही के शरीर के कुछ सेल के अंदर हो रहा है तो उससे खुद ही के शरीर का सेल डैमेज होगा और ना तो ये तो कॉम्प्लीमेंट का एक साइड है और एक साइड ये भी है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होता है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर इसको तोड़ दिया जाता है डिग्रेड कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं जिस जब भी इसको हम ब्रेक करेंगे तो इससे अलग अलग दो फ्रैगमेंट रिलीज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ए फ्रैगमेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी फ्रैगमेंट स्मॉल ए फ्रैगमेंट का हर वक्त छोटा होता है स्मॉल बी फ्रेगमेंट बड़ा होता है तो बड़ा फ्रैगमेंट क्या होता है एक्चुअली बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के में अंदर जो है पोर फॉर्म करता है और स्मॉल फ्रैगमेंट जो ए है वो एनाफेलेक्टिक रिएक्शंस कॉज करता है तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को अगर एक्टिव किया जाए हाइपर एक्टिव किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा धीरे धीरे एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज करेगा यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट पाथ पे क्या होती है टारगेट सेल है रेड ब्लड सेल अब यहाँ पर एंटीजन उसके सरफेस में एंटीबॉडी जाके बाइंड कर गया तब कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ये देखो ये जो येलो कलर का दिखाया गया है जो एफ सी रीजन में बाइंड कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ के ये कॉम्प्लीमेंट है जब भी ये फिक्स हो रहा है कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स होने के साथ साथ देखो ये यह यहाँ पर सी थी सी सी बी जो लार्ज कॉम्पोनेंट सी सी का है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स किया अब वो सी सी बी रिसेप्टर मैक्रोफाज के सर्फेस में होता है तो मैक्रोफाज क्या करेगा सी सी बी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा माइक्रोफाज में सी थ्री बी रिसेप्टर है तो वो उस, उस रिसेप्टर के यूज करके सी थ्री बी जहाँ पर अटैच है वहां पर इंटरेक्ट करेगा करने के साथ साथ फैगोसाइटोसिस कॉज करेगा तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि माइक्रोफाज जो है रेड ब्लड सेल या अगर रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड सेल को धीरे धीरे वो एनगॉल्फ कर रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑन दी अदर हैंड कुछ कॉम्प्लीमेंट जैसे कि कॉम्प्लीमेंट नंबर पाँच छः सात आठ नौ वो क्या करेगा रेड ब्लड सेल के ऊपर वो मैंने बताया आपको चैनल क्रिएट करेगा पूर पूर के साथ ऑस्मोटिक लाइसिस कर देगा आरबीसी का तो एक एग्जाम्पल है कि खुद की बॉडी के सेल उसी को एज ए एंटीजन डिटेक्ट करके एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हो गया बॉडी में उसी के खिलाफ तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा जहाँ से एक तो फैगोसिटिक सेल उसको इन्गोल्व कर लेगा जिसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट नंबर पाँच से नौ जाके वहाँ पर मेमब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसे हम मैक बोलते हैं उससे क्या होगा ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा ठीक है तो जो एंटीबॉडी है पर आईजीएम क्यों क्योंकि आईजीएम पेंटामेरिक एंटीबॉडी है पांच एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ा हुआ होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स करने में माहिर है एंटीजन ऑन सेल सर्फेस क्या करता है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एम ए सी ओके वाया मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स अब देखो यहां पर ये यह जो सिस्टम दिखा गया है ना यहां पर और एक सिस्टम भी है ये तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया और जो मेकेजम दो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी एडीसी ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड तो टाइप टू हाइपर सेंसिविटी अलग अलग तीन प्रकार के एग्जाम्पल से मेडिये तीन प्रकार के टाइप और मैकेजम मैकेम नंबर वन जो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट था हमने बात किया मैकेजम नंबर टू एंटीबॉडी मेडिएटेड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिटी और एडीसीसी बोला जाता है क्या होता है इसमें ड्यू टू नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी नॉन सेंसिटाइज सेल्स विथ एफ सी रिसेप्टर्स ठीक है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फिर वो नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है बाइंड टू एफसी सी फ्रेगमेंट ऑफ आई सेल लाइसिस विदाउट तो यहां पर फैगोसाइटोसाइटो होता नहीं है क्योंकि नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है बेसिकली नेचुरल किलर सेल जो भी टारगेट सेल के साथ बाइन करेगा नेचुरल किलर सेल कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करेगा जिससे कि वो टारगेट सेल मर जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा यही नेचुरल किलर सेल का फंक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट टू लार्ज टू बी फैगोसाइटोस यही फीचर है क्योंकि नॉर्मली देखो टाइप टू हाइपरसेंसीटिविटी खुद की सेल को डैमेज कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है मगर कोई सेल अगर बहुत बड़ा हो उसको इतना बड़ा हो कि उसको नॉर्मली हम कॉम्प्लीमेंट से फिक्स नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तब नेचुरल किलर सेल जाके क्योंकि नेचुरल किलर सेल इन्गल्फ नहीं करेगा माइक्रोफास्ट तो इनगल्फ करेगा तो अगर बहुत बड़ा साइज का कोई सेल है तो माइक्रोफास्ट से भी बड़ा है तो इनगॉल्फ नहीं कर पाएगा तो यहां पर नेचुरल किलर सेल इन्गॉल्व नहीं करता है वो बाहर से ही चीज़ें रिलीज करता है ताकि वो सेल मर जाए तो ये जनरली एडीसीसी का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉमन होता है अगेंस्ट देखो वर्म्स जैसे कि वर्म्स हो गया वर्म्स इतना बड़ा साइज में आता है कि वो नॉर्मल माइक्रोफाज वगैरह न्यूट्रोफिल इससे बहुत काफी बड़ा है तो यहां पर देखो ये टारगेट सेल है इसके ऊपर ये एंटीजन कॉम्पोनेट्स हम देख पा रहे हैं अब यहां पर एंटीबॉडी जाके बाइन करेगा एंटीबॉडी क्या है आईजी जी जी आई जी से ये एंटीबॉडी के साथ बाइन किया अब जब आई से एंटीबॉडी के साथ बाइन किया नेचुरल किलर सेल के रिसेप्टर में एफ रीजन है आई का आईजीजी के एफ रीजन वहां पर मौजूद है तो क्या होगा यहां से इंटरेक्शन होगा नेचुरल किलर सेल ये नेचुरल किलर सेल है ओके और ये टारगेट सेल है अब नेचुरल किलर सेल धीरे धीरे कुछ कंपोनेंट्स रिलीज करेंगे राइट क्या कंपोनेंट्स रिलीज करेंगे परफोरिन्राइम्स हो गया हो गया ऐसे कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गया ये हाइड्रोटिक एंजाइम्स जाके क्या करेगा इस सेल को मार देगा डिस्ट्रॉय कर देगा अब फंडा ये कि यह सेल बिगर है बड़ा सेल है तो ही इस प्रोसेस को यूज किया जाता है क्योंकि अगर छोटा सेल है तो मैक्रोफाज नॉर्मल uh, पिछला पिछले जो प्रोसेस हमने यहां पर देखा यही प्रोसेस से इन्वॉल्व कर सकता है राइट right? अब थर्ड मैकेनिज्म क्या है एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन ए एम सी डी लास्ट वन था एएमसीडी एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन ठीक है यहां पर एंटीबॉडीज डिटेक्टेड अगेंस्ट सेल सर्फेस रिसेप्टर्स ओके आ, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एसिटाइल एसिटाइलकोलिन की हम एग्जाम्पल देख रहे हैं राइट एसिटाइल एसिटाइलकोलिन मतलब यहां पर हम एक्सॉन टर्मिनल देख रहे हैं यहां पर मस सो so, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन देख रहे हैं ये है मसल और ये है न्यूरोन की एंड और यहां पर आ, जो वेसिकल्स है वो एसिटाइल एसिटाइलकोलिन से भरा हुआ है ठीक है और एसिटाइल एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स में है तो वेसिकल्स जब फ्यूज होगा एसिटाइल गया बाहर आ जाएगा और वो जाके रिसेप्टर्स जो है एसीटाइल कोलिन रिसेप्टर जो मसल के अंदर है मसल के सर्फेस मसल सेल्स के सर्फेस में वहाँ पर बाइन करेगा एंड प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन विल कंटिन्यू अब देखो यहाँ पर एंटीबॉडी है अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ये जो एंटीबॉडी है ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को जाके बाइंड कर जाएगा मतलब रिसेप्टर को मास्क कर देगा मतलब रिसेप्टर में जगह ही नहीं रहेगा जाके कोलिना के बैठ कर बाइन करें तो जब रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडीज और एसीटाइल कोलिना के बाइंड नहीं कर पाएगा तब क्या होगा मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा तो यही एग्जाम्पल है सो so, ये सारे जो बीमारी है डिजीजेज है एक्यूट रूमेटिक फीवर एंटीबॉडीज वर्सेस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन क्रॉस रिएक्शन होता है इसकी वजह से ये सारी चीजें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइप टू सेंसिटिविटी और बेसिकली जो यहां पर एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन है उसके बारे में तो ये ओवरऑल प्रोसेस समझ में एक बार आपको बता देता हूं पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड जो पाथवे था तो यहां पर आरबीसी रेड ब्लड सेल आ गया और रेड ब्लड सेल खुद की बॉडी के सेल है और रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना मतलब बहुत खतरनाक बात राइट तो यहां पर एंटीजन है सर्फेस में रेड ब्लड सेल के हमें पता है कि एंटीजन होता है एंटीबॉडी उस, उसमें जाके बाइन करता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया जब भी एंटीबॉडी जाके बाइन कर दिया तो ऑब्वियसली एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गया राइट और यहाँ पर जब बाइंड हो रहा है उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सी मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा है अब कॉम्प्लीमेंट सी वन से सी नाइन तक जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा ब्लड सेल को लाइसिस कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा ये तो है ही अभी दूसरी साइड में क्या होगा कि यहां पर कुछ जब सी थ्री कन्वर्ट एक्टिवेट होगा तो सी थ्री डिवाइड होके सी थ्री बी बनेगा सी थ्री ए बनेगा अब सी थ्री बी तो सरफेस भी अटैच रहेगा मगर सी थ्री ए जो है सी थ्री ए एज एनाफाइलैक्टिक कॉम्पोनेंट बाहर क्या तरफ आएगा एनाफाइलैक्सिस सेकेंड इंपैक्ट अब ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी अलग बात है मगर यहां पर क्या होगा नॉर्मली अगर सी वन जेनेट होता है तो सी वन एज एन एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा रेड ब्लड सेल के सर्फेस में और जब वो ज्यादा मात्रा में बाइंड करेगा मतलब सी थ्री ए ज्यादा मात्रा में बाइंड करेगा तब मैक्रोफाज और जो फाइगोसिटिक सेल है वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा मतलब इनगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये सेल मेडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड जो डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी वो कैसे होगा आईजीजी जब प्रोड्यूस होगा वो आईजीजी कोट कर देगा किसको रेड ब्लड सेल को चारों ओर से ताकि नेचुरल किलर सेल जहाँ पर एफसी रिसेप्टर होता है आईजीजी का वो बाइंड करेगा और वो क्या करेगा ए

टाइप वन टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी में और ये प्रोसेस अगर चार अलग अलग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात है तो थोड़ा टाइम लगता है मतलब टाइप वन बहुत इमीडिएट एक, एक पाँच मिनट से स्टार्ट हो जाता है बट टाइप टू में थोड़ा घंटा गंत, एक घंटा दो घंटे के बाद से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहता है ठीक है अब बात कर लेते हैं टाइप टू हाइपर सेंसिटिटी एग्जाम्पल्स ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन एग्जाम्पल्स हैं टाइप टू की एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लस्टोसिस फिटालिस एग्जाम्पल है ऑटोइम्यून यूमिन ह्यूमिलिटिक एनीमिया एग्जाम्पल्स हैं ओके एंड ड्रग रिएक्शंस भी हो सकता है बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस टाइप रिए होता है और ये सारे एग्जांपल्स याद रखना कुछ एग्जांपल्स ही चाहिए होता है पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूशन ऑल अब हम बात करेंगे टाइप थ्री हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में टाइप थ्री हाइपरसेंसिटिटी क्या है स्टेप्स क्या है कैसे होता है देखो टाइप थ्री हाइपरसेंसिटिटी मतलब आई एसिड की आई पे आ गए हम राइट right? आई मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन पहले तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजट करेगा अलग अलग टिश्यू में फिर वो क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ट्रिगर करेगा तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन शामिल है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड पिछले जो था टाइप टू उसको हम बोला था हमने बोले थे कि ये साइटोटॉक्सिक है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सी फॉर साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक क्यों क्योंकि वो सेल को मार रहा था डिस्ट्रॉय कर रहा था कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ऑप्शोनाइजेशन करके भी डिस्ट्रॉय कर सकता है मगर यहां पर हम जो देख रहे हैं आई इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और कुछ टिश्यूज में डिपॉजिट होगा तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो प्रोड्यूस डैमेज एज दे लोकलाइज विद इन ब्लड वेसल्स वॉल्स और ट्रैप्ड इन फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स जो रेनल ग्लोम अब देखो यहां पर बात होता है अलग अलग फेज तीन डिफरेंट फेजेस इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा टिश्यू में डिपॉजिट होगा फिर प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फेज वन इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फेज टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन फेस थ्री कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इनफ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और यहाँ पर देखो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग की सेल्स है मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है ये जो एपिथेलियल लाइनिंग लाइनिंग कैसे डैमेज हो रहा है यहाँ पर स्वेलिंग हो रहा है इन्फ्लामेशन हो रहा है एपिथिलियल लाइनिंग का ब्लड वेसल की लाइनिंग का तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर एंटीजेन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है एंटीबॉडी के साथ वो इंटरेक्ट किया अब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है एपिथिलियल सेल की कोई एक जगह पर बाइन कर जा यहां पर बाइंड कर चुका है ठीक है और ब्लड में बी सेल्स भी है सब कुछ है अब बी सेल्स ही जो है प्लाज्मा सेल्स बनता है वो एंटीबॉडी बनाता है एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा और एक जगह पर इंटरेक्ट कर रहा है यहां पर सेटल हो गया अब इन्फ्लामेटरी जो सेल्स है वहां से सा साइटोकाइन यहाँ पर आ रहा है टी हेल्पर सेल्स है सॉरी न्यूट्रोफेल्स है वहां से साइटोकाइन आ रहा है अब ये साइटोकाइन जब आ रहा है साइटोकाइन एपिथेलियल सेल्स में काम कर रहा है तो एपिथेलियल सेल्स को सेल्स में क्या हो रहा है कि एक डायलिटेशन uh, हो रहा है मतलब सेल वॉल यहां पर जो एपिथेलियल सेल से जो वॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है नॉट सेल वॉल एपिथेलियल सेल से जो वॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें जो धीरे धीरे गैप आ रहा है देखो गैप क्यों आ रहा है ताकि ये न्यूट्रोफिल्स और और भी अदर सेल जो है बाहर आ आ पाए उस गैप से इम्यून सिस्टम सेल्स बाहर आ पाए तो वो जो केमिकल मेडिएटर्स एक साइटोकाइंस है उसको रिलीज करने के साथ साथ यहाँ पर डैमेज हो रहा है तो यही डैमेज के बारे में हम बात करते हैं एपिथेलियल लाइनिंग में डैमेज होगा यहां पर फाइब्रीनोइड निक्रोसिस होगा सेल डेथ होगा और यही डिस्ट्रक्शन है यही डेथ होता है सेल्स के तो यहां पर एग्जाम्पल को और एक बार अच्छे तरीके से समझाया गया है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया फर्स्ट स्टेप तीनों रिएक्शंस होगा एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और हैगमैन फैक्टर को भी एक्टिवेट किया जाएगा कैसे होगा देखो तीनों चीजें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया तो केमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होगा मोटेक्टिक फैक्टर मतलब कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइंस होता है वो जब रिलीज होता है साइटोकाइंस रिलीज जब होगा कोई जगह से तो इम्यून सिस्टम का सेल्स जो है जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया लिंफोसाइट्स हो गया वो उस दिशा में ट्रेवल करता है जिसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं मतलब केमिकल जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में मूव करना कीमोटैक्सिस अब ये कीमोटैक्सिस होगा न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल मूव करेगा तो इसको हम न्यूट्रोफिल जब उस जगह पे मूव करेगा बहुत सारा न्यूट्रोफिल एक साथ वहां पर पहुंचेगा तो उसको हम न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन बोलते हैं अब जब न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन होता है तब क्या होता है न्यूट्रोफिल क्या करता है फैगोसाइटोसिस करता है न्यूट्रोफिल इज ए फैगोसिटिक सेल और न्यूट्रोफिल हमारे इनियट इम्यून सिस्टम में ही रहता है मतलब हर वक्त मौजूद होता है तो न्यूट्रोफिल इज ए पार्ट ऑफ इनियट इम्यूनिटी जो फैगोसिटिक सेल्सोसाइट से, फैगोसिटिस फैगोसाइटोसिस करेगा रिलीज ऑफ राइसोजोमल एंजाइम अलग अलग राइसोजोमल जो प्रोटीलिटिक एंजाइम वो रिलीज करेगा और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स क्या करेगा उस जो भी टिश्यू है वहाँ के सराउंडिंग में उसमें प्रोटिलिस करेगा प्रोटिलिस का मतलब होता है सेल डैमेज और सेल डैमेज होगा मतलब नेक्रोसिस होगा तो यही प्राइमरी सेटअप है एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएट और इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी में इसके अलावा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो कॉम्प्लीमेंट को होगा क्योंकि जो बात हमने यहाँ पर किया वो सी बी जो भी कॉम्प्लीमेंट बी फ्रैगमेंट है उससे होता है और कॉम्प्लीमेंट का जो ए या छोटा फ्रैगमेंट होता है उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो वेजो एक्टिक एमीन रिलीज होता है स्टेमिन वगैरह उससे वेजोडाइलेटेशन और एडीमा होता है जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह कॉज होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मीडिएटेड पाथ में हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होता है मतलब ब्लड uh, के अंदर जो छोटा छोटा प्लेटलेट्स जिस जिसको हम ग्लू पैकेट्स बोलते हैं जो हमारे बॉडी के ब्लड जब ऊन uh, से ब्लड आए तो ब्लड को ब्लॉक करने में मदद करता है तो वो प्लेटलेट uh, जो एग्रीवेट होता है प्लेटलेट एक जगह पे आ जाता है ठीक है तो माइक्रोथ्रोमिन फॉर्म करता है और उससे इश्केमिया होता है माइक्रोथ्रोमिन मतलब वहां पर थ्रोमिन का मतलब होता है वहां पर बेसिकली प्लेटलेट एक जगह पर ज्यादा अटैच हो जाता वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को वो बंद कर देगा ठीक है ब्लड फ्लो को बंद कर देगा तो ब्लड फ्लो अगर बंद हो जाएगा तो नेबर का जो भी सेल्स है टिश्यूज हैं वहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा तो सेल धीरे धीरे मरता रहेगा उसका नेक्रोसिस फिर से नेक्रोसिस मतलब अगर किसी बॉडी के किसी हिस्से की सेल में ठीक सा ठीक ठाक ऑक्सीजन ना जाए न्यूट्रिएंट्स ना जाए तो सेल धीरे धीरे मरने लगेगा उसी को ही टिश्यू नेक्रोसिस बोलते हैं मतलब टिश्यू तक कुछ नहीं पहुंच रहा है तो टिश्यू मर रहा है और बाहर के साथ एक्टिवेशन ऑफ हेजमेन फैक्टर जो इनीस अलग अलग जो काइनीस है histamines, like histamines हो गया, हो गया, हो गया, इसको एक्टिवेट करता है जिससे कि एनाफेलेटिक रिएक्शंस फर्दर प्रोलिफोरेट मतलब इंक्रीज हो जाता है तो ये अलग अलग फीचर होता है टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में और कौन से डिजॉर्डर्स है इसका भी लिस्ट यहां पर दिया हुआ है अलग अलग डिजॉर्डर्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो एक्सोजेनस ऑरिजिन से भी हो सकता है एज एन एंटीजन एंटीजन बाहर से आए तो कौन कौन सा डिजीज है एंटीजन अगर खुद की एंटीजन एंडोजेनस है तो क्या न्यूक्लियर एंटीजन अगर न्यूक्लियस के अंदर का एंटीजन है तो ऐसे लिए एक एग्जाम्पल है ऐसे ही बहुत कॉमन एग्जाम्पल को भी एंटीबॉडी को भी यहाँ पर माना जाता है जो अर्थराइटिस और ट्यूमर एंटीजन से आ, हो सकता है ग्लोमेरोने जिसमें ट्यूमर एंटीजेंस को यूज किया जाता है एज अ एंटीजन उसको उसको देखा जाता है एज एन एंटीजन और एक्सोजेनस में तो हो गया डिफरेंट बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स और फंजाई के एग्जाम्पल्स है उसके साथ साथ क्या एग्जाम्पल बैक्टीरिया uh, आ गया यहाँ पर अर्थराइटिस में यूज होता है अलग अलग तो यहाँ पर मैं इसके बारे में यू नो दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन रिमेंबर जिसको आप पढ़ के रिमेंबर मतलब याद रखना है मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कैसे याद रखना है निमोनिक यूज कर सकते हो वगैरह मगर ये इंडोजनस एंटीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसेली रिमोटेड अर्थराइटिस और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस में ने यूज होता है और तीनों जगह पर इंडोजेनस एंटीजन कैसे काम करता है यहां पर दिखा गया राइट तो ये एग्जाम्पल्स है टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स के बारे में और टाइप थ्री हाइपरसेंसिटी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट होने में मेडिएट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है अभी आखिरी और टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी क्या है ये सेल मेडिएटेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होता है राइट डी जिसको हम डीलेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं ठीक है डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी एसिड की डी आ गया डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो सेल मेडिएटेड है इवेंचुअली Uh, कौन सेल मेडिएटेड है हम बात करें टी हेल्पर सेल मेडिएटेड प्रिंसिपल पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉस टू इंट्रासेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स ओके जैसे कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोक्यूलोसिस हो गया वायरस फंजाई प्रोटोजोआ पैरासाइट्स इस चीजों के खिलाफ इन चीजों के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स बट रिस्पॉन्स इतना ज्यादा हो जाएगा उससे खुद का भी डैमेज होगा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई, कोई बैक्टीरिया के खिलाफ जा रहा है वायरस के खिलाफ जा रहा है प्रोटोजोआ के खिलाफ जा रहा है तो अच्छा है मगर अच्छा तब तक है जब तक ये जो ये जो आ, बैक्टीरिया और पैथोजन के खिलाफ ये जो जंग है उनके ही खिलाफ रहे खुद की सेल के खिलाफ ना रहा है अगर खुद की सेल के खिलाफ हो गया तो ही हाइपर सेंसिटिविटी बन जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी बन जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी क्यों बन रहा है क्योंकि वो सेंसिटिव है वो काम कर सकता है अगर कोई सेंसिटिव ही नहीं है तो हाइपर सेंसिटिविटी होने का जगह ही नहीं होता राइट तो इन बॉडी इन आवर ह्यम्यून सिस्टम इन इम्यून इन आवर इम्यून सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी होम्योस्टेसिस इज द की मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए हमें हर सब कुछ लाइफ में ऑप्टिमम चाहिए तो टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन ओके तो यहां पर एंटीजन मेडिएटेड हो सकता है एंडोजिनस हो गया या फिर एक्सोजिनस एंटीजन हो गया अगर एंडोजिनस एंटीजन हो गया सेल्फ एंटीजन हो गया तो एक्टिवेशन ऑफ ऑटो ऑटो रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट ऑटो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है ऑटो मतलब खुद का रिएक्टिव तो खुद ही के खिलाफ जो एक्टिव हो जाएगा ऐसे टी लिम्फोसाइट लोकलाइजेशन लोकलाइज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करता है और एग्जाम्पल डायबिटीज मिलिटस टाइप वन ये एक एग्जाम्पल है तो टी टीलिफोसाइड मिलेटर क्या होगा खुद की सेल्फ एंटीजन को अगर देखे मतलब यहां पर जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है टी इंफोसाइट है वो टी टीलिम्फोसाइट खुद ही के सेल्स के खिलाफ जाएगा ओके और ये क्या करेगा ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करेगा ओके लोकलाइज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स से ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करेगा उससे एग्जाम्पल है डायबिटीज मिलेटस वन डायबिटीज टाइप वन अब अगर एंटीजन बाहर से आए ओके okay, तो यहां पर भी हो सकता है बाहर से एंटीजन आया एंटीजन स्पेसिफिक टील इंफोसाइड स्टिमुलेट हो गया अब ये एंटीजन स्पेसिफिक टील इंफोसाइड तो स्टिम्यट हुआ और ये बाहर के एंटीजन के खिलाफ है तो सब कुछ ठीक है मगर ये टील इम्फोसाइड इतना एक्टिव हो जाएगा कि ये ये जो केमिकल फैक्टर्स और मेडिटर रिलीज करेगा वो बाहर के एंटीजन को तो मारेगा ही मगर उसके साथ साथ वो इतना सारा इतना सारा टील इंफोसाइड्स को एक्टिवेट करेगा इतना सारा फैगोसिटिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा Like cytokines release कर कर के ऐसे एक्टिवेट करेगा कि वो सारे सेल्स आके बॉडी की नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है तो जो स्टिमुलेट होता है लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है वो 24 से बहत्तर घंटे के अंदर उसको बहुत हाई पीक पे लेके चला जाएगा और कभी भी किसी के शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा क्योंकि क्योंकि उसमें पेन होगा उसमें रेडनेस होगा उसमें स्वेलिंग होगा है ना सारी चीजें उसमें होता है पेन स्वेलिंग रेडनेस हीट सब कुछ अगर वहां पर इतना सूजन हो गया तो उसमें वो भी तो प्रॉब्लम है हमारा राइट बिकॉज देर आर

क्या होता है कि पहली दफा एक सेंसिटिव फेज होता है और वो हो जाने के बाद बाद में इफेक्टर फेज होता है ठीक है तो देखो डीलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बेसिकली टी हेल्पर सेल से इंस्पायर्ड होगा ऑटो ऑटो एक्टिव क्या कहा था हमने इसको ऑटो हाइपर एक्टिव रिएक्टिव तो ऑटो रिएक्टिव खुद ही के सेल्स के खिलाफ रिएक्ट करेगा तो सी डी फोर टी सेल से मीडिएटेड होगा जो टी हेल्पर सेल है फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन पहली दफा एंटीजन आया सी डी फोर सेल प्लस क्लास टू एम एच सी के जरिए सी डी लाइक जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो क्लास टू एम एच सी से एंटीजन बाहर की तरफ दिखा रहा है तो एंटीजन के साथ बाइन करेगा ये टी हेल्पर सेल फिर डिफरेंशिएट कर जाएगा बहुत सारा टी सेल्स प्रोड्यूस करेगा अब वो इंटरल्यू इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर लिम्फोटॉक्सिन सब रिलीज करेगा जब भी ये सारी चीज रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली टिश्यू में डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और यहां पर अगर ये हाइपर एक्टिव हो मतलब बहुत सारा ऐसे टी सेल एक्टिवेट होने लगे तो डैमेज बढ़ जाएगा ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में यही प्रोसेस यूज होता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में यूज किया जाता है और ग्रेन्योलोमासफ्लेमेशन जो एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर जो साइटो जो जो सी डी फोर और हेल्पर टी सेल मेडिएटेड फॉर्म ऑफ टाइप फोर सेंसिटिविटी है इसका एग्जाम्पल ट्यूबोक्यूलिन स्किन टेस्ट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस तो यहां पर देखो यही बात होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को प्रोसेस करके एमएससी क्लास टू के जरिए शो कर रहा है टी हेल्पर सेल को अगर पता नहीं है कि कैसे एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है एमएससी क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है टी हेल्पर सेल क्या है तो इस सीरीज को कंप्लीटली देखो सारी चीज डिस्क्राइब कर चुके हैं हम पहले तो यहां पर जब इंटरेक्शन होगा तब सेल्फ प्रोलीफरेशन होगा मतलब टी हेल्पर सेल खुद को एम्पलीफाई करेगा जिसको सेल्फ एम्पलीफिकेशन बोलते हैं प्रोलीफरेशन बोलते हैं जब ये हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट होकर रह गया देन सेकेंडरी टाइम पर ये जो टी एच वन टी हेल्पर पर वन सेल्स हैं वो फिर से रेस्टिंग मैक्रोफेज के साथ इंटरेक्ट करेगा और अलग अलग केमिकल सिग्नलिंग फैक्टर इंटरफेर गामा इंटरल्यूकिन टू इंटरल्यूकिन टू इंटरल्यूकिन वन फोर फाइव ये सब रिलीज करते रहे और तब मैक्रोफाज को एक्टिवेट कर देगा रेस्टिंग माइक्रोफाज को वो एक्टिवेट करेगा जब कुछ है भी नहीं जब एंटी एंटीजन ऑलरेडी चला गया है बॉडी से फिर भी हाइपर एक्टिव होने के कारण ये फिर से एक रेस्टिंग माइक्रोफाज को एक्टिवेट करेगा यहाँ पर तो माइक्रोफाज रेस्टिंग नहीं था क्योंकि एंटीजन बाहर से आया था एक्सोजेनस ऑरिजिन है तो और इन तब जाके एक्टिवेट हुआ था मगर यहाँ पर रेस्टिंग माइक्रोफाज को एक्टिवेट करेगा तो माइक्रोफाज एग्रेसिव हो जाएगा माइक्रोफाज का क्या काम है फैगोसिटिस फैगोसाइटोसिस तो जाके सेल्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में इनगल्फ करेगा और सेकेंड जो प्रोसेस है सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जो सी डी एट सेल से बना हुआ होता है क्योंकि टी सेल दोनों प्रकार का यहाँ पर है एक तो सी डी फोर प्लस सेल होता है सी डी एट प्लस सेल सी डी फोर प्लस को हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल सी डी एट प्लस को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड प्रोसेस कैसे होगा सेंसिटाइज सी डी एट टी सेल स्किल एंटीजन बियरिंग टारगेट सेल तो ये क्या एग्जाम्पल है ग्राफ्ट रिजेक्शन वायरस इन्फेक्शन ट्यूमर इम्यूनिटी दो मैकेनिज्म आएगा कैसे आएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है साइटोटॉक्सिक टी सेल और ये नॉर्म तो यहां पर हमें पता है कि पहले बात तो हमने देख चुका है कि ये नॉर्मली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब टी सेल को प्रोलीफरेट करने में मदद करता है तब टी सेल रेस्टिंग माइक्रोफाज को एक्टिव कर देगा और जम्यून रिस्पॉन्स तो उसको एलिसिट करेगा ऑन दी अदर हैंड कभी कभार क्या हो सकता है कि ऑरिजिन अगर बाहर से आ, आए कोई पैथोजेन और उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा नॉर्मली ये नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं जब नॉर्मल सेल्स के अंदर कोई वायरस वगैरह प्रेजेंट रहता है तब तो उसको डिटेक्ट करता है क्या बाहर से टी साइटोटॉक्सिक टी सेल डिटेक्ट करता है और कुछ कॉम्पोनेट्स जैसे कि परफोरिन ग्रैंजेम्स रिलीज करके इसको डिस्ट्रॉय करता है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है राइट right? ये साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड किलिंग है जैसे कि नेचुरल किलर सेल करता है वैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल मारता है परफोरिन ग्रैंड यूज करके मगर यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो जो सेल है हमारा हेल्दी है उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ है नहीं फिर भी ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है देखो या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट्स है जो एंटीजेनिक मतलब उतना डेंजरस एंटीजन तो है नहीं सेल्फ मेटीरियल है खुद ही किस शरीर की हिस्सा है खुद ही के सेल्स की कॉम्पोनेंट है फिर भी उसके साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर करे उसको रीड गलत कर रहा है उसको ऐसे एज ए इन्फेक्टेड सेल रीड कर रहा है और साइट्रोटॉक्टिक टी सेल वही मैकेनिज्म वहां पे अपना रहा है तो क्या होगा यहां पर देखो परफोरिन परफोलिन मगैनिज्मिपेंडेंट किलिंग होगा जिससे क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो जाएगा धीरे धीरे जो सेल मर जाएगा ये एक है और दूसरा होता है कि फास्ट और फास्ट लिगेंड मेडिएटेड सेल में एक प्रोसेस होता है जहां पर फास्ट रिसेप्टर होता है और फास्ट लिगेंड एक डेथ लिगेंड बोला जाता है तो कोई प्रोटीन के साथ अगर फास्ट लिगेंड है और वो आके फास्ट रिसेप्टर में बाइंड कर जाए तो उससे एक सिग्नलिंग होगा अंदर इंटरनल जिससे एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और जिससे सेल को मार दिया जाएगा सेल डेथ कॉज होगा तो ये दो मैकेनिज्म अलग अलग परफोरिन मेडिएटेड परफोरिन क्या होता है फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स और ग्रेन एंजाइम है जो जाके सेल को मारेगा और फैस मेडिएटेड मीडिएटेड पाथवे टोटली अलग होता है जहां पर फैस फैसलिगेंट कंटेनिंग कोई प्रोटीन आके फैस रिसेप्टर में बाइन करेगा तो एपोप्टोसिस सिग्नल को एक्टिवेट करेगा और सेल को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये सारी चीजें जानने के लिए सेल बायोलॉजी के नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है अब देखो यहां पर जब हम बात करें फैसलिगेंट फैस प्रोटीन फैस रिसेप्टर के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि सेल कैसे काम करें एपोप्टोसिस क्या चीज है तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज क्लियर होना तो अभी हम क्या करेंगे टाइप और चारों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में एक बार फाइनली ब्रश अप कर लेंगे उसके बारे में फाइनल एक समरी देख लेंगे देखो पहली बात तो टाइप वन जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होता है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो आईजीई मेडिएटेड होता है ठीक है एग्जाम्पल एटोपी एनाफेलेक्स एस्तमा टाइप टू एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है जो भी जो कि यहाँ पर एंटीबॉडी मेडिएटेड बेसिकली पहला तो एंटीबॉडी मेडिएट हमने बताया सी फॉर साइटोटॉक्सिक यहाँ पर सी फॉर साइटोटॉक्सिक बोलते हैं हम आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड मेडिएटेड हो गया थर्ड वन इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स आई क्या है आईजीजी मीडिएटेड मेडिएटेड ही होगा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन चाहिए होता है और इसमें एग्जाम्पल सिरम सिकनेस है लुपस, okay? जो फोर्थ वन है वो डी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हो गया ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गया कॉन्टेक्ट okay? और ये टी सेल और माइक्रोफाज मेडिएटेड होता है जनरली मोस्टली टी सेल मेडिएटेड होता है तो बेसिकली जो नोम क्लेचर है ना ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक जैसे कि टी सेल मेडिएटेड हो गया सेल मेडिएटेड तो हम कैसे करेंगे सेल है ये सी है तो हम ये एसिड जो लिखते हैं ये इसलिए लिखा कि इसको हम याद रख सकते हैं एज ए निमोनिक के तौर पे इसीलिए एसिड के तौर पे हम इसको यूज़ रखते हैं तो अगर कोई बात करते हैं कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ वट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोई पूछे कि लूपस निफ्राइटिस कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थ्री मेडिएटेड ंट रिजेक्शन ग्राफ्ट रिजेक्शन टाइप फोर मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, सेंसिविटी कॉन्टेक्ट डरिस टाइप फोर मेडिएट और एस्टमा जो सबसे कॉमन है टाइप वन मेडिएटेड जो इमीडिएट इंपैक्ट कॉज करता है और हर एक जगह पर देखो कि टाइप वन में आईजी यूज हुआ टाइप टू में आई और एम यूज हुआ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा टाइप थ्री में आई यूज हुआ और टाइप फोर में कोई इम्यूनोग्लोबिल्स नहीं यहां पर टी सेल टी हेल्पर सेल ज्यादातर यूज होता है और माइक्रोफाज अपार्ट फ्रॉम दैट टी साइटोटॉक्सिक टी सेल और सी डी ए टी सेल भी कुछ दफा यूज हो सकता है तो ये सारे चीज़ें कंप्लीट करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में तो होपफफुल हाइपर सेंसिटिविटी क्लियर है टाइप वन से लेकर टाइप फोर तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करो शेयर करो वीडियो को सब्सक्राइब करो इस चैनल को और डेफिनेटली पूरे ये जो पूरा लेक्चर है स्टार्ट वन टू एकदम एंड तक इम्यूनोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं हिंदी इम्यूनलॉजी लेक्चर्स कम्प्लीट करो डेफिनेटली यूल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट थैंक यू बाय